हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो यार, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन स्टार टोटोस के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लोग, तो यार नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है, उसको यार क्लिक कर दो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इस चैनल पर फिर से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी जाएगी और कुछ नहीं। तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो, ठीक है। स्टार टोटोस, आप लोग एकदम शांत मन से कान खोल के आराम से बैठ जाओ, क्योंकि जो भी मैं बात बोलूँगा, एक एक बात जो आपको इस वीडियो में सुनना है, ठीक है, एकदम ध्यान से। तो यार इंडियन स्टार टोटोस, सबसे पहले यार इसका साइज़ का मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो साइज होता है कम 12 इंच तक जाता है, ठीक है, 12 इंच, 7 to 12 इंच तक इसका जो साइज जाता है। और इसका लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ कितने तक, ये कितने सालों तक जीता है, तो इसका जो है 80 इयर्स, ठीक है, हाईएस्ट 80 इयर्स गया है इसका। मतलब इंसान मर जाएगा पर ये टॉर्टोइस नहीं मरने वाला इतना जल्दी, ठीक है। और इससे पहले मैं बात बता देता हूँ कि यार आप सभी को लग रहा होगा कि यार बहुत हार्ड होगा इसको पालना, पर अगर मैं बोलूँ तो टर्टल ज़्यादा हार्ड पालना है, ठीक है, टॉर्टोइस से ज़्यादा। तो भाई अब आपका अपना अपना मन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका रहने का जगह, ठीक है, रहने का जगह जो होता है वो आप लार्ज, ज़्यादा अगर लार्ज एरिया नहीं भी दोगे तब भी वो रह सकता है, ये ऐसा टॉर्टोइज है, ठीक है। और इसका जो मतलब साइज होता है वो अदर टर्टल से, अदर टॉर्टोइज से जो होता है बहुत छोटा ही होता है एक तरह से, तो इसको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, भले साइज पर डिपेंड करता है, मतलब उतना भी जगह नहीं चाहिए रहने को, ठीक है। और इसका जगह में आप रख सकते हो, मतलब जहाँ पर रखोगे आप वहाँ सैंड रखो या फिर सॉयल रखो या फिर दोनों मिक्स करके रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया, इसका गप घर बना सकते हो, कोई भी मतलब एक्वेरियम का जो ग्लास हो गया, शीशा जो आप रखते हो जिसमें फिश, उसमें रख सकते हो, फिर प्लास्टिक का कोई टब हो गया उसमें रख सकते हो, या फिर कोई कार्टून वगैरह जो उसमें फिलअप करके सॉयल जो है उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। और अब इसका बात करते हैं लाइटिंग, तो यूवीवी लाइट जो है टर्टल को भी रिक्वायर्ड है और आपका टॉर्टोइस को भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यूवीवी लाइट होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ यार, एक वार्म लाइट होता है जो टॉर्टोइस को और टर्टल को बहुत ज़रूरत होता है उस चीज़ का, ठीक है। उसमें जो होता है ना विटामिन D3 जिसको बोलते हैं, उसको कैल्शियम जो मिलता है उस टॉर्टोइस और टर्टल को, जो जो विटामिन D3 जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उसके जो बोन्स वगैरह है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो यार यूवीवी लाइट जो है एकदम ज़रूरी है आपके टॉर्टोइस के लिए, ठीक है, और टर्टल के लिए भी। तो ये बात मैंने बता दिया कि लाइटिंग कैसा हो, उसका जो हाउस है वो कैसा हो, और लाइटिंग के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ आप टर्टल को रखोगे, जहाँ आप यूवीवी लाइट लगाओगे ना, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 28 to 32 डिग्री सेल्सियस होना ही होना चाहिए, ठीक है। और यार एक बात आप सभी को मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग यार ऐसा करते हैं घर में अपने रख लेंगे शो के लिए अपने रूम में, कि भाई टर्टल रखा हूँ या टॉर्टोइज रखा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, अपना डाइनिंग रूम में रख लिया या फिर क्या मैं बोलूँ, तो वहाँ AC लगा रहता है, कूलर लगा रहता है, तो वो सब जगह यार टॉर्टोइज को मत रखिए ना, टर्टल को रखिए, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर कुछ और होगा, फिर यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। मैं आपको मतलब क्या एक्सप्लेन करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा इस वीडियो को। और बस यही कहना चाहूँगा कि AC वगैरह में मत रखिएगा। अब लास्ट टॉपिक जो आता है, ये खाता क्या है, ठीक है, टॉर्टोइस जो है ये खाता क्या है, बहुत लोग सोच में पड़ते हैं यार क्या खाता है टर्टल की तरह वो पाइलट्स वगैरह खाएगा। तो देखो यार, इंडियन जो स्टार टॉर्टोइस है ये आपका हर्बीवोरस है, ठीक है, यानी वो सिर्फ साग सब्जी वगैरह खाता है, वेजिटेरियन है वो, ना कि नॉन वेजिटेरियन है। तो आप इसको, आप जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते एकदम फ्रेश पत्ते घास, वो आप खिला सकते हो, कोई भी पत्ता होता है ना वो खिला सकते हो आप, खीरा खिला सकते हो, आप भिंडी खिला सकते हो, मतलब हरी सब्जी जो है इसको खिला सकते हो, फ्रूट्स खिला सकते हो, बट हाई कैल्शियम का जो फूड होता है वो आप एकदम दे सकते हो इसको, बहुत ही ज़रूरत है उस चीज़ को, इसको टॉर्टोइस को। तो ये हो गया खाने का बात, ठीक है, आप जितना हो सके उसको कैल्शियम वाला फूड जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यार ज़्यादा मेहनत नहीं है टॉर्टोइस को रखने के लिए, हाँ, बट मैं आपको बता देता हूँ ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है, आप पहले टर्टल रखो उसके बाद ये टॉर्टोइस पालो, ठीक है। वैसे भी बहुत कॉस्टली आता है ये, तो अब आपके पास पैसे तो भाई आप ले सकते हो ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका सेटअप कैसा होना चाहिए, सैंड वगैरह आप वहाँ रख सकते हो, ठीक है, और वहाँ लाइट ज़रूरी है, यूवीवी लाइट लगाना ज़रूरी है, एकदम नेसेसरी है, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर होता है बास्किंग एरिया का 28 to 30 डिग्री होना ही चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, कम होना ही नहीं चाहिए भाई, AC वगैरह रूम में आप मत रखिएगा उसको, ठीक है।
और खाने की बात करें तो भाई आप फ्रूट्स खिला सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स सारा खा सकता है वो, क्योंकि वो हार्बीवोरस टॉर्टोइस है। ठीक है, तो भाई मैं पूरा कोशिश कर दिया आपको कि इस टॉर्टोइस के बारे में बताने के लिए। भाई तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसको मतलब पालने में, आप आराम से रख सकते हो। ठीक है, अगर आप नया ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद लो, मार्केट में आसानी से ये नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बता दे दोनों कि ये आसानी से नहीं मिलेगा, ये यूनिक पीस है। तो यार ये तो मतलब चोरी छुपे बिकता है, अगर आपका जान पहचान है तो भाई आप ले सकते हो, पर ये चोरी छुपे बिकता है ये टॉर्टोइस। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो, मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। और प्लस कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से तो यार कमेंट किया करो, और अगर ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दो भाई, नहीं पसंद आया है, नहीं समझ में आया है तो अनलाइक कर दो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू वेरी वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर।